हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने 1 किलो ऐसे गोल वाले बैंगन मैंने ले लिए। मैंने इन्हें पानी से वॉश करके ले लिया है। अब मैं इन्हें छील लेती हूँ पहले, और फिर इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काट लेंगे। और मैं ये बैंगन का भरता बैंगन को उबाल के बनाने वाली हूँ। काफ़ी लोग बैंगन को भून लेते हैं उसके बाद ही भरता बनाते हैं, लेकिन कई बार भूनने के बाद अगर इसमें कीड़ा वगैरह निकला है तो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है इसलिए। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और टेस्ट भी एकदम बढ़िया आने वाला है। अब देखिए, कुकर में मैंने ये सभी बैंगन डाल लिए हैं जो मैंने काट के लिए हैं, और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल मैं यहाँ डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और हमें इसमें अब पानी नहीं डालना है, और तेल को अच्छे से बैंगन में मिला लेंगे। और अब इसमें 2 सीटी हम लगवा लेते हैं, ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है। जब तक हमारा बैंगन उबल के रहे हैं हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच इसमें राई के दाने मैंने डाले हैं। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसे बारीक चॉप मैंने यहाँ कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं कर लेना है। थोड़ा क्रंची टेस्ट इसमें रहना चाहिए, हल्का पिंक कलर जब हमारी प्याज में आ जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मेरे पास यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन को बैंगन के भरते में काट के भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती हैं। अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, उन्हें भी मैंने काट के ले लिया है। अब इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। अब ये 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और किचन किंग मसाला मैंने यहाँ डाला है इसमें। ये किचन किंग मसाला मैंने ऐड कर दिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने इसमें ऐड की है। आप सभी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैंने यहाँ 1/2 कप हरी मटर मैंने ली है। ये मटर मैंने उबाली नहीं है, कच्ची ही मैंने यहाँ ली है। अगर आप उबाल के रखेंगे पहले से तो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें अभी पहले पका लेती हूँ। अब जब तक हमारी मटर और मसाला अच्छे से पकता है हम अपना बैंगन को चेक कर लेते हैं। देखिए, बैंगन हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब इसे मैश हम कर लेते हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी देखिए ये अच्छे से बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इस बैंगन के भरते का आने वाला है जैसा हम भून के बनाते हैं। अब हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है, देखिए तेल मसालों से अलग हो चुका है। एक बार इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। आप एक बार इस तरह से बैंगन का भरता बना के ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी ये बनता है। और अब जो बैंगन हमने उबाल के रखा था वो मैंने मसालों में ऐड कर दिया है, और अब मिला देंगे इसे, और इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं, या जब तक हमारी मटर अच्छे से ना गल जाए तब तक आप इसे पका लें। वैसे मटर हमारी मसालों के साथ पहले ही पक चुकी थी। एक बार हम अब चेक कर लेते हैं, देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है। और मैं मटर को चेक कर लेती हूँ, देखिए मटर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। बस गैस को यहाँ बंद करते हैं। अब इसमें हरा धनिया हम डालेंगे, और हमारा बैंगन का भरता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप गर्मा गर्म रोटी के साथ बैंगन के भरते को
इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।